हेलो फ्रेंड्स, गावराम तड़का रेसिपी में मैं वर्षा ओले आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं वेज पुलाव। उसके लिए मैंने पहले कढ़ाई में घी डाला है 1 चम्मच। अब ऑयल डालूंगी 2 चम्मच। घी और ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब इसमें डालेंगे राई 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच और ये खड़े मसाले है 2 तेज पत्ते, 4-5 इलायची, दालचीनी के टुकड़े और 5-6 काली मिर्च। मसाले हमारे तड़क गए हैं। अब इसमें डालूंगी मैं 1 प्याज। प्याज हमारा फ्राई हो गया है हल्का। अब मैं इसमें डालूंगी सब्जियों पे। मैंने 1 गाजर लिया है, 1 शिमला मिर्च ली है, 1 टमाटर लिया है, 1 बड़ा आलू लिया है। सब चीज़ें मैंने इसमें डाल ली है। इसमें आपको जो सब्जियाँ पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, और ये हरे मटर। अब सब सब्जियों को थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं एक आदमी में। अब 1 मिनट हो गया है यहाँ पे हमारा। इसमें मैं चावल डाल देती हूँ जो मैंने 1/2 घंटे से भिगा के रखे थे, और बासमती चावल है। 1/2 कटोरी लिए थे, 1 कटोरी वो फूल कर हो गए हैं, 1/2 कटोरी से थोड़ा ऊपर थे। अब चावल को सब्जियों के साथ फ्राई कर लेते हैं 1-2 मिनट। अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं। जितने चावल लिए हैं मैंने, 1 कटोरी चावल लिए तो 2 कटोरी मैंने यहाँ पानी डाल दिया है, और स्वाद अनुसार आप नमक डाल देते हैं। और 5-6 मिनट तक हम इस तरह से मीडियम गैस के ऊपर चावल को पकने देते हैं। फिर हम 5 मिनट के लिए गैस कम कर देंगे। पहले तो बिना ढक्कन के मैं चावल को उबलने देने वाली हूँ। और मैंने चावल ना 1 कटोरी लिए थे, इसी कटोरी से 1/2 कटोरी नहीं लिए थे। चावल भिगाने के बाद फूलते नहीं है, बिल्कुल भिगाने के बाद जितने हैं उतने ही रहते हैं। वो दाल भिगाने के बाद फूल जाती है, तो बोलते बोलते मैंने बोला चावल फूल गए, लेकिन नहीं, इस कटोरी से मैंने 1 ही कटोरी चावल लिए थे, वो 1/2 घंटे से भिगा के रखे थे। और चावल जब पकते हैं तब फूल जाते हैं, वो भिगने के बाद नहीं फूलते। चावल उबलते हुए हमारे यहाँ पे 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं गैस को पूरी तरह से कम कर दूंगी और 5 मिनट तक ढक्कन लगा के रख दूंगी। यहाँ पे हमारे 5 मिनट हो गए हैं, तो हम पुलाव देखते हैं। आप देख सकते हैं कितना मस्त ये हमारा पुलाव बना है। अब उसके ऊपर मैं थोड़ी हरा धनिया पत्ती डाल देती हूँ। आप देखिए कितना ये बढ़िया सा हमारा पुलाव तैयार है, आप देख सकते हैं।